इसका पत्ता नहीं होता है, नॉन ग्रीन है, ये से प्रोफाइटिक ऑर्किड बोलता है इसको। ये सिर्फ आपको जमीन में एक बल्ब रहेगा। अच्छा। अब ये जून जुलाई महीना में जब बारिश हो रहा था उस समय ये खिल के आ जाएगा। उसके बाद खिलने का खिलते समय ही दिखे रहता है, अदरवाइज ऑर्किड है उनके पता नहीं चलता। ग्राउंड में वो पत्ता है ही नहीं वाला, इसलिए इसको मतलब सेप्रोफाइटिक ऑर्किड बोलता है। और ये फॉरेस्ट इंडिकेटर भी है, मतलब जहाँ में वर्जिन फॉरेस्ट होता है, जिसका फॉरेस्ट हो गया, जून खेती हो गया या रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ऐसे जगह में फिर मिलेगा नहीं वाला, जहाँ में डिस्टर्ब होता है वहाँ मिलेगा नहीं। एकदम साइलेंट एरिया, एकदम वर्जिन होना चाहिए, तब जाकर उस जगह मिलता है। सेसा सेंचुरी ऐसा में मिलेगा आपको। और अभी ये किल के खत्म हो गई, ये ग्राउंड ऑर्किड बड़ा बड़ा है अभी, ग्राउंड ऑर्किड ना बाद में कम दिखा दिए। और ये अभी दोनों मतलब इंस्टिंग होने जा रहा है ना ये दोनों? ये जो एक्सटिंक ऑलमोस्ट एक्सटिंक रेयर एंड डेंजरस रेयर डेंजरस विद ना है ना। स्नेक तो हम लोग यहाँ में जंगल करते समय मिला है, होगा ये तो ही मतलब बच्चों को दिखाने के लिए। ये सब कहाँ का, अरुणाचल का ही? ये सेसा में है, ये बुकर है भाई, ये सेसा में है। ओके। इसके बाद ये भी सेसा सब ट्रॉपिकल होती है, पूरा यही का। ओ और ये अभी किले जा रहा है, डेंड्रोबियम ट्रांसपेरेंस मतलब ये किले है अभी। ओके ओके। पूरा पत्ता गिर गया होगा इस तरह से, सर निकल गया होगा पत्ता, पूरा गिर रहा है। ओनली फ्लावर्स हो रहा है, ओनली फ्लावर्स रहेगा ना। सर ऑर्किड का आइडेंटिफाइंग करेक्टर ऐसा है ये है ना। हाँ मतलब जो बाकी बाकी फ्लावर में क्या होता है कि मतलब आपको सेपल्स पेटल्स कुछ है, आपको जो सेपल्स जो बाहर में है, सेपल्स 1 2 3 जो सेपल्स है वो ग्रीन होता है बाकी फ्लावर्स में, लेकिन पेटल्स लोग कलरफुल होगा। ऑर्किड में क्या होता है कि सेपल्स पेटल्स और कलरफुल होगा, उसके बाद एक पेटल्स मॉडिफाई होता है, वो मॉडिफाई उसके बाद लीफ बोलता है। मतलब दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ये सिर्फ ऑर्किड में है, ऑर्किडेसी फैमिली में होगा। अच्छा। इसलिए मतलब ऑर्किड का पहचान ये लीफ का मॉडिफिकेशन से देखता है। ओके। अब देखिए ये लीफ मॉडिफाई होगा, इस तरह का मॉडिफाई होता है, मतलब एक तो लीफ एक होगा। हाँ, एक लीफ का मॉडिफाई होगा, मतलब जीव का जैसा है ना। अब देखिए इस तरह से एक लीफ तो पक्का मॉडिफाई होगा। अब ये को ये देखिए ऐसा हर एक में आपको पक्का मिलेगा, आप देखिए है ना। तो मतलब दिस इज द आइडेंटिफाइंग करेक्टर कि मतलब बाकी फ्लावर से ये थोड़ा अलग होता है। अब देखिए ये भी हाँ ऐसे निकलेगा निकलेगा। अब देखिए इसमें भी एक मॉडिफाई होगा, हर एक में आपको मतलब मॉडिफाई आपको मिल जाएगा। स्वाद दादा की कोई सुनना है और की डिफरेंस।